राज्य मंत्री राजखेड़ा ने किया ग्राम पंचायत गाजीगढ़ और भिलौड़ी में करोड़ों की लागत के स्कूल भवनों का लोकार्पण। लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा के द्वारा सोमवार को विधानसभा पौहरी के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया गया। इस दौरान मंत्री राठखेड़ा ने ग्राम पंचायत गाजीगढ़ और भिलौड़ी में स्कूल भवनों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये दोनों भवन 2 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए हैं। अपने उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए संवेदनशील है। उन्होंने भवनों के निर्माण के साथ साथ शिक्षकों की भर्ती की है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को पढ़ाई संबंधी किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। आगे प्राइमरी और मिडिल स्कूल के विकास के लिए वर्ग 3 के शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। मेरे द्वारा गाजीगढ़ और भिलौड़ी के विकास के लिए, इसमें ग्रामीण विकास, शिक्षा और नल जल योजना के लिए, साफ सफाई, सीसी रोड के लिए, इन दोनों गांवों के लिए 3-3 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए गए हैं। पहले 20 किलोमीटर दूर बच्चों को पढ़ने जाना पड़ता था, लेकिन आजकल गांव-गांव में हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल खुल गए हैं। शिक्षा से ही बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है। मैं ग्रामीण विकास एवं बच्चों के भविष्य की उज्जवल की कामना करता हूं। इस दौरान ग्राम पंचायत गाजीगढ़ में 1 करोड़ की लागत से निर्मित हायर सेकेंडरी स्कूल भवन और ग्राम पंचायत भिलौड़ी में 1 करोड़ की लागत से निर्मित हाई स्कूल भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उनके साथ केशव सिंह तोमर, रामपाल रावत, एडवोकेट विकी मंगल, डॉक्टर तोला राम यादव, राजेंद्र पिपलौदा, अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।